हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि हम लोगों को प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, जैसे कि VIT का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, कलिंगा का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, SRM का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी हैं ऑनलाइन, उन्होंने अपना रैंक भी दे दिया है और काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट भी कर दिया है और सीट को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फीस अमाउंट वहाँ पे एक जमा करवा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हाँ, मुझे वहाँ पे फीस जमा करनी चाहिए, मुझे VIT का चेन्नई कैंपस मिल रहा है या मुझे अमरावती वाला कैंपस मिल रहा है, मुझे SRM का KTR कैंपस मिल रहा है या गाजी, या फिर मुझे कलिंगा का जो है भुवनेश्वर वाला कैंपस मिल रहा है, या फिर मुझे VIT का भोपाल वाला कैंपस मिल रहा है, तो मुझे ये कैंपस हमको ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें JEE मेंस के एग्ज़ाम का या फिर उसकी रैंक का वेट करना चाहिए या फिर जो जोसा की काउंसलिंग होगी तब तक हमें वेट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी समय से बच्चे कर रहे हैं जब JEE मेंस की डेट नहीं आई थी। अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी JEE मेंस की डेट आ चुकी है, बहुत ही कम समय आपको मिला है। फर्स्ट फेज़ के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट आज थी और सेकंड फेज़ जो आपका मई वाला था उसका जो एग्ज़ाम होगा 27 जुलाई से आपका और 2 अगस्त तक होगा, वो आपका मई वाला फेज़ होगा। इसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो आपकी 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में है। तो आप जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो JEE मेंस के प्रीवियस अटैम्प्ट को दे चुके हैं, उनका जो भी परसेंटाइल आ रहा है, काफ़ी सारे बच्चों ने परसेंटाइल डिस्कस किया है, रैंक डिस्कस किया है, पिछले ई बुक में हमने रैंक परसेंटाइल कॉलेज को लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लगातार हम लोग वीडियो के माध्यम से बच्चों को जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। मैं उन सारे बच्चों को बोल देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे JEE मेंस के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने चैनल पर डाल रखी है, अगर वो पूरा चैनल अच्छे से देखेंगे तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस तरह से वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं या फिर कमेंट करते हैं या जो उनकी क्वेरीज रहती हैं, अगर वो चैनल के 1x1 करके सारे वीडियोज़ देख लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और जूम मीटिंग बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या मुझे NIT का वेट करना चाहिए या फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये बात आ रही है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, मुझे VIT मिल रहा है या मुझे कलिंगा मिल रहा है या मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट मिल रहा है जिसका भी उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो उसमें अगर उनका रैंक अच्छा है, अगर उनको मन का ब्रांच मिल रहा है तो उनको ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर उनको कोई अच्छा उसके ऊपर का बेटर ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर फीस रिफंड भी रहती है, कुछ ना कुछ आपका कैंसिलेशन जो है चार्ज लगेगा वो अपना काट के आपको रिफंड कर देंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनका परसेंटाइल 96, 97, 98 तक जा रहा है, जिसके साथ इंडिया के जो बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका एंट्रेंस एग्जाम दिया है, या फिर और भी जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, काफ़ी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, तो अगर उन्होंने दिया है तो उसको कैसे उनको ज्वाइन करना है या फिर कैसे उसको ड्रॉप करना है और कैसे उनको NITs का वेट करना है और NITs का वेट किनको करना चाहिए, किस रैंक तक NITs मिल पाते हैं, कौन कौन सी रैंक वहाँ पर मिल पाती हैं, ये हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं NIT तिरची, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड NIT है, सब जानते हैं, नंबर वन है जितने भी रैंक बच्चों की। तो इसमें कंप्यूटर साइंस का अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कट ऑफ रहता है जनरल, और हाँ हम लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो जो टॉप की ब्रांचेज है वो यहाँ पे बहुत जल्दी भर जाती हैं, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कि ये जो NITs जिनका हम डिस्कस करने वाले हैं ये लास्ट मोमेंट तक किस रैंक पे आपको मिलेंगे, मतलब इनका एक्सट्रीम लिमिट क्या है कि इनको बच्चा इनका वेट करेगा, क्या रैंक होनी चाहिए, क्या परसेंटाइल होना चाहिए कि आप इनका वेट करेंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आप होम स्टेट कोटे की बात नहीं करते हैं, तो आज हम होम स्टेट कोटे की भी साथ में बात करते चलेंगे। अब होम स्टेट कोटे की हम यहाँ अगर बात करेंगे तो सबसे लास्ट में मैं यहाँ फिर बता दूँ क्लोजिंग ब्रांच का मतलब है लास्ट एडमिशन जिस ब्रांच में हुआ है हम उस ब्रांच का डिस्कस करेंगे। अब किसी NIT में लास्ट ब्रांच वो मैकेनिकल भी हो सकती है, किसी NIT में लास्ट ब्रांच वो है बायोटेक भी हो सकती है, किसी में टेक्सटाइल भी हो सकती है, किसी में प्रोडक्शन भी हो सकती है, किसी में सिविल भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंस आप देख रहे होंगे 44,204 तक गई है होम स्टेट कोटे के लिए, मतलब वो बच्चे जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं जिनके पास होम स्टेट कोटा है, NIT तिरची में जिनका परसेंटाइल 96, 97 आ रहा है, मतलब उनका रैंक जो है वो ये बनने वाला है, तो आप ये मान करके चलिए कि उनको मटेरियल साइंस आराम से NIT तिरची में मिल जाएगा, वो वेट कर सकते हैं NIT तिरची के लिए। अदर स्टेट कोटे की अगर हम बात करेंगे मेटलर्जिकल साइंस मटेरियल साइंस सेम ब्रांच की हम बात करेंगे तो 23,221, मतलब आपका परसेंटाइल लगभग 98 के ऊपर अगर जा रहा है तो आप इसका वेट कर सकते हैं। NIT वारंगल आप देख रहे होंगे अच्छा NIT है और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी रहता है, सब जानते हैं इसके बारे में। होम स्टेट कोटे की बात करेंगे बायोटेक ब्रांच में, फिर बता दूं मैं लास्ट क्लोजिंग ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं जिसमें लास्ट एडमिशन हुआ है, मैं उस ब्रांच की बात कर रहा हूं। बायोटेक ब्रांच 32,565 तक गया है, मतलब अगर आप होम स्टेट कोटे से हैं तो आपको NIT वारंगल का वेट करना चाहिए अगर आपका ये क्राइटेरिया रैंक का बन रहा है या आपका परसेंटाइल 95, 96, 97, 98 के आसपास आ रहा है तो।
तो आप ये मान के चलिए अदर स्टेट कोटे की बात करें बायोटेक का, आप देखेंगे 26,889 पे जो है ये बंद हुआ है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो जिनका परसेंटाइल 97-98 के आसपास आ रहा है, वो इसका वेट कर सकते हैं, इस रैंक तक उनको मिलने की संभावना है। नेक्स्ट एनआईटी सूरत कल, मोस्ट रेपुटेड एनआईटी है, अच्छा प्लेसमेंट रहता है। माइनिंग ब्रांच आप देखेंगे 46,910 तक गई है। उसके बाद आपका अदर स्टेट की बात करेंगे, माइनिंग ब्रांच 46,156 तक गई है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन यहाँ पे 46,156 गई है, ये फीमेल कैंडिडेट का गया है, मतलब जनरल कैटेगरी का। हम यहाँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं और किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल ओपन कैटेगरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये फीमेल के लिए दिया हुआ था, तो ये फीमेल की जो है 46,156 तक ये फीमेल कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात, ये आपका हो गया एनआईटी कालीकट। होम स्टेट कोटे की बात करें 42,595 पे क्लोज हुआ है बायोटेक। अदर स्टेट की तो 36,737 पे बंद हुआ है आपका बायोटेक। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, एनआईटी इलाहाबाद में देखेंगे आप बायोटेक 32,265 तक बंद हुई है, मतलब होम स्टेट के लिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं। और अदर स्टेट की बात करें 38,334 तक। यहाँ पे ये नई चीज़ देखने को मिलती है, ये एनआईटी जयपुर में भी देखने को मिलेगी आपको। एनआईटी इलाहाबाद में आपको जो होम स्टेट कोटा है वो नीचे तक मतलब जल्दी भर गया है, और आपका बायोटेक जो अदर स्टेट वाला है आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा रैंक तक मिला है। तो ये केवल एनआईटी इलाहाबाद, कुछ एनआईटी एक दो ऐसे हैं जहाँ पे ये देखने को मिलता है, अदरवाइज कहीं देखने को नहीं मिलता। होम स्टेट कोटे में ज़्यादा रैंक पर कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं एनआईटी दुर्गापुर, अच्छा एनआईटी है, अच्छी रैंक भी भर जाता है, और जो लास्ट वाली ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रैंक तक गई हैं। आप देखेंगे होम स्टेट कोटे का बायोटेक ब्रांच जो है इसमें दिखा रहा है, ये है 69,812, मतलब 69,812 पे ये क्लोज हुआ है आपका बायोटेक ब्रांच होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे बायोटेक 53,117 तक गया है, और ये अगर 2018 की हम बात करें तो एक बच्चे का एडमिशन हुआ था, उसको 58,000 पे भी ये मिला था, ठीक है। दूसरे स्टेट के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करें एनआईटी दिल्ली में, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 41,881 पे बंद हुआ है होम स्टेट के लिए। और अदर स्टेट की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एनआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपका 41,881 पे बंद हुआ है होम स्टेट के लिए। और अदर स्टेट की अगर बात करें तो आपका देखेंगे सेम ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी 21,568 पे बंद हुई है, ये आपका अदर स्टेट के लिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं एनआईटी जयपुर। एनआईटी जयपुर में आप देख रहे होंगे मेटलर्जिकल साइंस और मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस आप देख रहे होंगे यहाँ पे 30,261 पे होम स्टेट के लिए बंद हुआ है। और दूसरे ब्रांच का मैंने बताया था आपको, यहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। अदर स्टेट के लिए आप देख रहे होंगे 36,221 पे बंद हुआ है, ये एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी जयपुर में ही देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे एनआईटी जलंधर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करें 255,107 आप देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा पंजाब से बिलोंग करता है तो अगर उसका 2-2.5 लाख रैंक, 2.5 लाख के बाहर भी रैंक जा रहा है तो वो एनआईटी का वेट कर सकता है। हालांकि टेक्सटाइल ब्रांच में प्लेसमेंट थोड़े कम रहते हैं, लेकिन टेक्सटाइल में अगर बच्चा थोड़ा सा भी जीनियस है, थोड़ा सा भी स्मार्ट है, तो उसको जो फॉरेन में जो पैकेज मिलते हैं, जो अब्रॉड कंट्रीज़ के जो पैकेज रहते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं टेक्सटाइल के। और टेक्सटाइल एक बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन मिल जाता है, मतलब पैकेज इतना खराब भी नहीं रहता है, पर एक एवरेज पैकेज रहता है। टेक्सटाइल बहुत अच्छा ब्रांच है। अदर स्टेट्स में ये जो टेक्सटाइल है ये 75 तक गया था, 75,000 तक इवन ये मिला है गर्ल्स कैटेगरी को 75,000 तक ये मिला है 2019 में अदर स्टेट कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे गाइडेंस से वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्रा, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल की बात करें 46,809 पे ये बंद हुआ है होम स्टेट के लिए। और अदर स्टेट की बात करें प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल तो 41,994 पे ये बंद हो गया दूसरे स्टेट के लिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं एनआईटी भोपाल, अच्छा एनआईटी माना जाता है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 51,140 पे बंद हुआ है होम स्टेट के लिए, 51,140 पे बंद हुआ है होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट की बात करें मटेरियल साइंस मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपका 42,665 पे बंद हुआ है अदर स्टेट के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर रैंक में। आगे देखें एनआईटी अगरतला, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 3,72,872, ये जनरल कैटेगरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैं फिर बता दूँ आपको, हम यहाँ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। आप देखें जनरल कैटेगरी, जनरल ओपन कैटेगरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अभी एक जगह मैंने फीमेल जनरल की बात की थी, जनरल कैटेगरी अगर जो बच्चे अगरतला से बिलोंग करते हैं, जिनके पास होम स्टेट कोटा है वहाँ का, तो बायोटेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग उनका जो है 3,72,000 तक गया, मतलब किसी बच्चे का रैंक अगर 4 लाख तक भी जाने की संभावना है, जा रहा है, अगर उसका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है 60 या 65 तक जा रहा है, तो आप इसका वेट कर सकते हैं, आपको आराम से एनआईटी अगरतला में ये ब्रांच मिलेगी। अदर स्टेट की बात करें तो 68,388 पे बंद हुआ है 2019 में, ये भी लगभग 70+ तक गया था, काफ़ी सारे बच्चे गए थे जिनको 70,000 पे अदर स्टेट के बच्चों को एनआईटी अगरतला में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिला था। श्रीनगर का आप देखेंगे तो आप देखें एनआईटी श्रीनगर में, आप देखिए श्रीनगर में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस 2,73,673, मतलब जो बच्चे वहाँ से बिलोंग के पास होम स्टेट है वहाँ का, तो श्रीनगर में आप ये मान के चलिए कि आपका 2.5 लाख रैंक तक आपको आराम से मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अदर स्टेट की बात करेंगे तो ये आपका 75,000 तक गया है, और ये भी 2018 में लगभग 90,000 तक देखने को मिला है दूसरे स्टेट के बच्चों को, 1 लाख तक इवन
समथिंग समथिंग जो है ये गया है 2019 में। तो आप नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं होम स्टेट की बात करें, जिन बच्चों के पास होम स्टेट डोमिसाइल है। तो सिविल इंजीनियरिंग आप देख रहे होंगे, सिविल इंजीनियरिंग में क्या है 89,632 तक गया है, मतलब 89,632 पे क्लोज हुआ है सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट की बात करें तो आप देखेंगे 41,672 पे। कोर ब्रांच आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैंक तक मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं एनआईटी पुडुचेरी। एनआईटी पुडुचेरी में आप देख रहे होंगे होम स्टेट कोटे के लिए 224,179 तक गया है। और उसके बाद अदर स्टेट की बात करें आप सिविल इंजीनियरिंग 43,251 तक गया है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात उसमें कर लेते हैं एनआईटी जमशेदपुर। अच्छा एनआईटी है, यहाँ देखेंगे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 61,319 भी बंद हुआ है। और अदर स्टेट के लिए सेम ब्रांच जो है 45,787 भी बंद हुआ है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात कर लेते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश। बायोटेक की बात करें 60,709 पे बंद हुआ है होम स्टेट के लिए। और अदर स्टेट की बात करें 64,962 ये बंद हुआ है अदर स्टेट के लिए सेम ब्रांच। उसके बाद हम लोग मणिपुर होम स्टेट कोटे का देखेंगे तो आप 262,180 तक गया है। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का 9,076 तक गया है आपका सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट कोटे के लिए। आपके वो एनआईटीज हैं, ये आपके वो एनआईटीज हैं जो आपको इतनी ज़्यादा रैंक तक मिल जाएंगे आराम से। तो जिन बच्चों का रैंक का क्राइटेरिया इसके इससे मैच कर रहा है वो प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा सोच लें। अगर उनके पास बजट है तो वो प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन कर दें, वहाँ कुछ ना कुछ फीस जमा कर दें। अगर उनके मन का ब्रांच या मन का कैंपस उनको मिल रहा है तो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि ये ज्वाइन कर लूँ सर, वो ज्वाइन कर लूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ज़्यादा रैंक तक एनआईटीज यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं आईआईटीज पे भी अगला वीडियो बना दूंगा कि आईआईटीज किस रैंक तक मिलेंगे, और जीएफटीआईज वगैरह ट्रिपलआईटीज के लिए भी हम वीडियो बहुत जल्दी आपको दे देंगे। और एग्जाम की डेट आ चुकी है, अपनी तैयारी बिल्कुल जितनी भी आपने तैयारी कर ली है परेशान बिल्कुल ना हो। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं सर 15 दिन में क्या होगा, 10 दिन में क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो गए, गवर्नमेंट का बड़ा खराब डिसीजन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका जितना भी प्रिपरेशन हो चुका है उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें। नया पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो जो पुराना है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना आपने तैयार कर लिया है, जितना आपने बिल्कुल पक्का है आपका रेडी है, उतना आप रिवाइज करना स्टार्ट करें। 15 दिन 20 दिन का समय अभी भी आपके पास है लास्ट वाले एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। फिर बता दूं मैं आपको, जूम मीटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जूम मीटिंग में जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे 1x1 करके हम उनकी क्वेरीज का समाधान उनमें करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि जितने भी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैं प्राइवेट में जाऊं या वेट करूं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर जरूर करें। और अगले ऐसे ही हम काउंसलिंग के रिगार्डिंग छोटी बड़ी अपडेट के साथ लगातार वीडियो के माध्यम से लाइसेंस के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे। एग्जाम के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, और काउंसलिंग में लगातार आपकी इस तरह हेल्प करते रहेंगे। काउंसलिंग को लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर छोटी बड़ी जो अपडेट होगी काउंसलिंग रिगार्डिंग वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।